हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो आजकल हर किसी को होती है। किसी भी रैंडम इंसान को पूछ लो, उसको थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो होता ही होता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर फॉल रोकने के पहले आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है कि आपके बाल गिर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मुझे मेरा रीज़न पता था। तो हेयर फॉल के रीज़न्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी, पॉल्यूशन, क्योंकि आप अपने हेयर को वॉश नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं या ओवर ऑयलिंग कर रहे हैं, डैंड्रफ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हेयर फॉल के। सो बेसिकली हमारा हेयर फॉल होता है 3 टाइम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोते टाइम, सेकंड कॉम्ब करते टाइम, एंड थर्ड हेयर वॉश करते टाइम। तो तीनों चीज़ें करते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है? नंबर 1, सोते टाइम हेयर फॉल ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, खुले बालों को लेके कभी भी नहीं सोना है। आपको करनी है हेयर ब्रेडिंग, चाहे तो आप बालों को 2 पार्ट करके 2 चोटियां बना लो, या फिर एक एक सिंपल सी पोनीटेल बना लो, या फिर एक लूज़ बन बना लो। बेसिकली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 लूज़ ब्रेड्स बना के सो। इट विल गिव यू सिंपल कर्ल्स लाइक दिस एंड इट विल डेफिनेटली नॉट लुक बैड। नंबर 2, कॉम्ब करते वक्त यार मैं क्या करती हूँ, मैं अपने वालों को इसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एंड अगेन ये आपकी हेयर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप और भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। उसके बाद एक साइड को लेना है और उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइक दिस। एंड देन नीचे यूजिंग योर फिंगर्स आप अपने बालों को इस तरह से सुलझा सकते हो। सबसे पहले आपको नीचे करना है, उसके बाद अगर आप कंघी भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको इसी तरीके से करना है। बालों को डिवाइड करो 4 पार्ट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 2 पार्ट्स, उसके बाद हर साइड में 2 पार्ट्स। एक पार्ट को आपको ऐसे लेना है और नीचे कंघी करनी है। इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉम्ब तो नीचे सबसे पहले करो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओ मिडल वाले पार्ट में करो, और उसके बाद आप जाओगे अपने रूट्स पर। एक पार्ट हो गया, इसे पीछे करो एंड देन डू द सेम थिंग इन दिस पार्ट एज वेल। इस तरह से आपको कर लेना है। वैसे मैं तो मना ही करूँगी कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप कंघी का इस्तेमाल करो अपने बालों में, लेकिन फिर भी अगर आपको आदत है, आप बिना बालों में कंघी किए नहीं घर से बाहर निकल सकते, तो आपको सबसे पहले तो पतली वाली कंघी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। एक हमेशा वाइड टूथ कॉम्ब रखो अपने पास, उससे ही कंघी करो हमेशा। एंड सेकेंड थिंग, गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी है आपको। जब भी आप हेयर वॉश करके आ रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं वो प्रॉपर ड्राई हो चुके हैं, उसके बाद ही आप कंघी करो। अगर गर्मी है तो फ़ैन के नीचे बैठ जाओ, और अगर सर्दी है तो धूप में बैठ जाओ। इट्स दैट सिंपल। उसके बाद जब आपके बाल प्रॉपर ड्राई हो जाएँ तभी आप अपनी कंघी करो, एंड मेक श्योर कि वो पतली कंघी ना हो। नाउ नंबर 3, आपका हेयर फॉल होता है हेयर वॉश करते टाइम। हेयर वॉश करने के लिए ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिससे आपके बाल बहुत जल्दी ग्रीसी ना होते हो, जैसे कि आपको बाल कम धोने पड़े। बट मेक श्योर कि आप अपने बालों को ज़्यादा ज़्यादा दिन गंदा भी ना छोड़ो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके बाल ग्रीसी होते हैं, जितना ज़्यादा आपके बालों में धूल मिट्टी अट्रैक्ट होता है, उतना ही ज़्यादा आपका हेयर फॉल होता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि बाल आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं धोने, बहुत ही ज़्यादा देर से भी नहीं धोने, कि हेयर फॉल आपका कम होने के बजाय उल्टा और बढ़ रहा है। जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो शैम्पू बता देती हूँ, वो मेरे ऊपर बहुत असर करता है। बेसिकली वो शैम्पू हेयर फॉल के लिए तो नहीं है, बट ये क्या करता है कि आपके बालों में इट्स लाइक आपके बाल जल्दी गंदे नहीं होते हैं इससे। अब इसके पीछे क्या साइंस है मुझे नहीं पता। शैम्पू मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा यूज़ करती हूँ मैं। ओके सो आई एम यूजिंग दिस लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्ले शैम्पू। ये मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है, ऑनलाइन में मिल जाता है। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इट्स फॉर 282 रुपीज़ फॉर 396 ml, 360 ml बेसिकली प्लस 36 ml इज़ फ्री। फ्यू मोर प्रोडक्ट्स वी हैव टू डिस्कस जिसने मेरे ऊपर तो बहुत असर किया है। सीरियसली गाइस, अगर आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको 1-2 वॉश में ही असर दिखाई दे जाएगा इसका। सो पहली चीज़ तो एक ये है, पैराशूट स्कैल्प थेरेपी हेयर ऑयल ओवरनाइट लगा लो।
बॉल पैचेस अगर आपको हो रहा है तो बॉल पैचेस पे लगा लो, या मुझे जैसे हेयर फॉल कहाँ होता है यहाँ साइड में और यहाँ पर, तो मैं इसे यहाँ लगा लेती हूँ। बाकी आप इसे अपने पूरे स्कैल्प पर भी लगा सकते हो, और लगा के हल्के से मसाज करना है, ये नहीं कि आप ओवर मसाज करो। ओवर मसाज करोगे तो आपके हेयर फॉल होगा ही होगा। इसके अलावा मैं आपको कोई भी हेयर ऑयल सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप हेयर फॉल से गुजर रहे हो तो। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा मैं ऑयलिंग करती थी उतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होता था, बट ये एक इकलौता ऐसा हेयर ऑयल है जिसने मेरा हेयर फॉल सीरियसली कम किया है, तो इट्स वेरी गुड, यू कैन ट्राई इट आउट। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ और भी है, वैसे तो दो हैं बट मैं इसको एक ही काउंट करती हूँ क्योंकि ये अकेले बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आंवला जूस पतंजलि का, और सेकंड एलोवेरा जूस। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ हेयर फॉल पे ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर कर दी हैं। हेयर फॉल डिस्कस कर लेते हैं और जो इसके और बेनिफिट्स हैं वो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आंवला तो वैसे भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको 20 ml इसके साथ मेजर करने के लिए एक चीज़ आपको मिलेगी। तो 20 ml आंवला जूस पानी में लेना है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। 20 ml आंवला जूस प्लस 20 ml वाटर आपको लेना है एक घूंट में, और दूसरे घूंट में आपको यही सेम चीज़ ले लेनी है, 20 ml एलोवेरा जूस एंड 20 ml ऑफ वाटर। ये आपको सबसे पहले तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करना है, और उसके बाद रात को सोने के पहले लेना है। ये सीरियसली बहुत ही तेज़ी से आपका हेयर फॉल रुकता है। आंवला और एलोवेरा बेसिकली दोनों ही बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरा हेयर फॉल बहुत ही गंदे वाला होता है, मेरे हेयर बहुत ही कम हो गए थे, इतना गंदा हेयर फॉल हुआ था मुझे 3 महीने पहले। तो ये तीन चीज़ें मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और अब आप मेरे बाल देख सकते हो, किसी को देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी कभी। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन्हें आप ट्राई करो। फिर से मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू अपना चेंज कर दो, आप ये शैम्पू ट्राई कर सकते हो, लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्ले शैम्पू। इससे आपको बार बार बाल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जब से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है मैं 4 दिन में एक बार बाल धोती हूँ। दूसरी चीज़ है आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, पैराशूट स्कैल्प थेरेपी। इसे या तो आप हेयर वॉश करने के 1-2 घंटे पहले लगा लो, या फिर ओवरनाइट लगा के छोड़ सकते हो। और तीसरे ये जूस आपको पीने ही पीने हैं। ये जब मैंने पीना स्टार्ट किया था तो नेक्स्ट वॉश में ही मुझे काफ़ी असर इसका दिखाई दिया था, और उसके बाद से जब मैंने ये हेयर ऑयल लगाया उसके बाद से तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेयर फॉल के रीजंस होते हैं बायोटिन की कमी, या फिर प्रोटीन की कमी, या फिर विटामिन डी की कमी। बायोटिन के लिए अगर आपको पता है कि आपका हेयर फॉल बायोटिन की कमी की वजह से ही हो रहा है, इसके लिए एक टैबलेट आती है हेयर ब्लेस करके, वो आप ले सकते हो। बायोटिन के अलावा और हेयर फॉल होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। सो प्रोटीन के लिए मुझे जो बेस्ट प्रोडक्ट लगता है वो है रिसोर्स हाई प्रोटीन। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, केमिस्ट के पास, आप कहीं से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन एक्स भी। प्रोटीन के अलावा हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू गेट योर सेल्फ चेक्ड, बिना चेकअप कराए ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो इसके लिए एक टैबलेट आती है टायो 360 और टायो 60, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली बट द फर्स्ट नेम इज़ टायो। तो आप ये केमिस्ट से जाकर ले सकते हो। इसे 1 हफ्ते में एक बार देना होता है, वीकली हर 7 डेज में एक बार 7 वीक के लिए, बट ऑफ कोर्स बिना चेकअप किए मत लेना ये सारी दवाइयाँ, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये शैम्पू यूज़ करो, ये हेयर ऑयल यूज़ करो, और आंवला जूस एलोवेरा जूस ज़रूर पियो। इनसे सीरियसली आपके बालों पर गज़ब के इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। आप ये तीनों चीज़ें ट्राई करो, और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताई हैं उनको फॉलो करो, आपको विद इन अ वीक डिफरेंस दिखाई देगा। इससे इजी गाइज कुछ हो नहीं सकता, इसको लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेगा। हेयर वॉश तो आप वैसे भी करते ही हो, शैम्पू चेंज कर दो, आप ये यूज़ करके देखो। और ये जूस पीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लगेंगे, दिन के 2 मिनट, दैट्स इट। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है आपको, बस बाल बांध के सो। ये चीज़ आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दो, आपको गारंटीड असर दिखाई देगा।
इनको आप फॉलो करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके बालों पर इसने कितना असर किया है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ पता है जो आपका हेयर फॉल रोकने में जिसने आपके ऊपर असर किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस ये थे कुछ इजी वेज़ हेयर फॉल को रोकने के। अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको हेयर फॉल हो रहा है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है या काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, उनके साथ शेयर करो ताकि वो हेयर फॉल को अपना कम कर सकें। और ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर अगर आप और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल बटन को दबा देना ज़रूर, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।